हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नए वीडियो में। यूट्यूब पे दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत लगती है यदि आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो, कि ये तो आप लोग 100% जानते होंगे। एक वीडियो अपलोड करने के लिए बहुत ज्यादा भैया सोचना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, तब जाके एक हमारा वीडियो तैयार होता है और उसे हम अपलोड करते हैं। और उस वीडियो पे यदि ऑडियंस का अच्छा हमें इंप्रेशन ना मिला, अच्छा रिएक्शन ना देखने को मिला, तो हमें काफी ज्यादा दुख होता है। तो मैंने सोचा ये जो यूट्यूब वीडियो अपलोड करने का इतने ज्यादा प्रोसेस होता है, लाइक मान लीजिए सबसे पहले आप टॉपिक सोचते हैं, टॉपिक सोचने के बाद भैया उस टॉपिक के बारे में प्रॉपर रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद भैया आप उसकी स्क्रिप्टिंग करते हैं, स्क्रिप्टिंग करने के बाद आप कैमरे के सामने आते हो, वीडियो बनाते हो, वीडियो बनाने के बाद भैया आप अपने वीडियो को एडिट करते हो, देन उसके बाद आप अपने वीडियो को अपलोड करते हो। और अपलोड करने में क्या होता है कि आपको टाइटल लिखना पड़ता है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है अच्छे से, और उसके बाद टैग्स अच्छी अच्छी भैया आपको लगानी पड़ती है। लेकिन ये सब प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा कोई ऐसा तरीका, ऐसा जुगाड़ ढूंढा जाए जिससे हमें जो टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है बार बार, ये थोड़ा जो इसका टाइम हो कम हो जाए, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा रामबाण इलाज यूट्यूब पे पहले से मौजूद है, अपलोड डिफॉल्ट करके। यदि हम वहाँ पे जो भी पहले से अपलोड करेंगे, यानी कि जो भी पहले से वहाँ टाइटल लिखे रहेंगे वो, और जो भी डिस्क्रिप्शन लिखे रहेंगे पहले से वो, और जो टैग्स हम वहाँ पे डाले रहेंगे डिफॉल्ट में वो, जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे वो ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएंगी। हमें भैया उतना चीज लिखना नहीं पड़ेगा जितना हम अपलोड डिफॉल्ट में किए रहेंगे, तो इससे हमारा जो टाइम है वो भी बच जाएगा और वीडियो अपलोड करने का जो हमारा थोड़ा शॉर्ट आउटिंग है वो भी हो जाएगी। लेकिन अब आप लोग सोचोगे यार इसको हम करेंगे कैसे, कैसे हम ये अपलोड डिफॉल्ट वाले सेक्शन को ढूंढेंगे और वहां पे भैया अपलोड डिफॉल्ट पे टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ले चलूंगा मोबाइल स्क्रीन पर और वहां पे आप लोगों को प्रॉपर भैया समझाऊंगा कैसे आप अपना टाइटल डिस्क्रिप्शन और टैग डिफॉल्ट रूप से लिख सकते हो। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो फ्रेंड, जैसे कि हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ पे हमने अपने यूट्यूब चैनल को डैशबोर्ड पे क्रोम पे ओपन कर लिया। यहाँ पे साइड पे आप देख सकते हो सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, उसको हमने टच कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग पे आ जाएंगे, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे चैनल, उसके बाद नीचे आप लोगों को जनरल, उसके बाद आपको अपलोड डिफॉल्ट का ऑप्शन मिल रहा है। इस अपलोड डिफॉल्ट में आप लोग देखोगे साइड में, तो सबसे पहले ऊपर टाइटल का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे जो आप लिख दोगे वो डिफॉल्ट से रहेगा आपका टाइटल। उसके बाद आप लोग यहाँ नीचे देख रहे होगे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे मैंने अपना अपलोड डिफॉल्ट में बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन सेट कर रखा है, जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो वहाँ पे ऑटोमेटिक अपलोड डिफॉल्ट वहाँ पे लग जाता है हमारा डिस्क्रिप्शन, मुझे कुछ नहीं पढ़ना पड़ता, बस मैं थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो को विजिबिलिटी क्या होनी चाहिए वो मैंने यहाँ पे अनलिस्टेड कर दिया है, क्योंकि भाई जब मैं वीडियो अपलोड करूँ वो मेरा अनलिस्टेड रूप में रहे, उसके बाद जाइए जब मैं चाहूँ उसे पब्लिक करूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो भैया मैंने टैग्स भी यहाँ पे लिख रखी है, अपना चैनल का नाम 2-3 लिख रखा है, आप भी ऐसे कर सकते हो, काफ़ी इजी है, अपलोड डिफॉल्ट इस तरह कर सकते हो और आपका टाइम भी अच्छा खासा बचेगा।